जय प्रभु जी की, जय गुरुदेव। आज श्री प्रभु जी के विभिन्न चरित्रों में एक विशेष बात का हम उल्लेख करेंगे कि किस तरह से श्री प्रभु जी ने निर्माण काय के द्वारा, अपने योग ऐश्वर्य के द्वारा इस धरा पर लोगों में जनकल्याण किया, योग का प्रचार किया। ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जितनी लीलाएं रची, जिसमें मुख्यतः रासलीला भी थी, जिसमें उन्होंने एक साथ हजारों गोपियों के साथ, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए, कितनी बड़ी काय निर्माण किया। तो इस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण ने योग ऐश्वर्य के द्वारा अपने कार्य किए, जन कल्याण किया, ठीक उसी तरह श्री प्रभु जी ने जब नेपाल से आए, निर्माण काय के द्वारा बहुत सारी कल्याण के कार्य किए। केशवानंद अवधूत ऋषिकेश में शीशम की झाड़ियों के पास रहने वाले एक अच्छी योग स्थिति वाले महात्मा थे। वो प्रायः ये बोला करते थे कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये प्रभु जी यहाँ पर हैं तो कैसे हैं, ये तो बहुत बड़े महासिद्ध हैं, ऐसे लोग तो हिमालय के भी छोड़ते ही नहीं। और वाकई में ये बात बिल्कुल सच है कि श्री प्रभु जी ने नेपाल तो कभी छोड़ा ही नहीं। उनका कहने का जब अभिप्राय था, इतने बड़े महासिद्ध कभी भी जन समुदाय के बीच में नहीं आते, वो वहीं से बैठे बैठे प्रकृति दुनिया संचालित करते हैं, कभी नहीं आते। और ये बिल्कुल सत्य था, श्री प्रभु जी हमेशा से उस नित्य नेपाल धाम में विराजमान थे। यहाँ पर आए तो निर्माण का शरीर लेकर आए, और वही निर्माण का शरीर उन्होंने त्यागा था सन 1938 में। उसके अलावा भी प्रभु जी शरीर छोड़ने के बाद भी कई कार्य किए, जो सभी को प्रभु जी के चरित्रों में पता है। नारायण दास चाटीपिंड पर एक नदी किनारे बैठे हुए थे, प्रभु जी प्रकट होकर उनको खिचड़ी सिद्ध कराई और बोला मुझे, मैं अभी नेपाल जा रहा हूँ। तब उनको पता लगा, ऐसे किसी एक कृष्ण भक्त को योग दीक्षा दी, और अपने चचेरे भाई से भी प्रभु जी वहाँ मिले, उनके साथ भोजन बनाया खाया। तो प्रभु जी जब चाहें तब अनेकानेक रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी ही घटना एक लड़के की थी जो अमृतसर का बार बार आया करता था प्रभु जी के पास। प्रभु जी से बोला करता था, प्रभु जी आप मेरे घर चलो, प्रभु जी टाल दिया करते थे। फिर पीठ पीछे बोला करता था लोगों को, प्रभु जी तो बड़े आदमियों के घर जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों आएंगे। एक बार प्रभु जी बोले कि चलो तुम्हारे साथ, तुम ले चलो। वो प्रभु जी को बग्घी में खुद आया, साथ में लेके गया। जब प्रभु जी उसके घर के सामने उसकी बग्घी पहुँची, प्रभु जी बोले अच्छा ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ, अब तुम जरा उतर कर घर में तैयारी कर लो, फिर मैं आता हूँ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, श्री प्रभु जी अंदर विराजमान थे। बड़ा आश्चर्य में वो बाहर देखा, बाहर भी प्रभु जी विराजमान है, अंदर भी प्रभु जी। अंदर वाले प्रभु जी बोलते हैं, अरे तू कहता कि मैं आऊँ, मैं तो यहाँ एक घंटे से बैठा हूँ, तू कहाँ गया था, चल कोई बात नहीं अब आ जा। तो इस तरह से प्रभु जी एक ही साथ उसको कई कई रूपों में दिख रहे थे, दोनों तरफ दिख रहे थे। बग्घी में बैठे वाले प्रभु जी भी दिख रहे थे, अंदर भी बैठे प्रभु जी दिख रहे थे। अनेक घटनाएं ऐसी हुई कि, और उन घटना क्रम का समय काल भी देखा जाए, जैसे कि जो रामा देवी की घटना हुई बंगाल में, जब श्री प्रभु जी रामा देवी के पास रुके हुए थे, और जब रामरती की घटना हुई, रामा देवी के परिवार से जो जज आशुतोष चटर्जी थे, उनके परिवार, उनके खानदान का एक बच्चा श्री महाराज जी के पास आया, उनसे दीक्षित हुआ। तो उन्होंने वो सारी घटनाएं बताई कि हाँ, हमारे दादाजी के यहाँ प्रभु जी आए थे, और वो जो समय काल बताया, उसी समय काल में वो प्रभु जी किसी अन्यत्र जगह पर थे। तो ये निश्चित रूप से कई प्रमाण मिलते हैं कि प्रभु जी एक ही साथ नेपाल से कई रूप धारण करके आए थे, आज भी करते रहते हैं,
अनेकानेक रूप धारण करते हैं, जहाँ जैसा जिस पर जैसी कृपा करनी होती वैसा रूपक बना लेते हैं, कृपा करके चले भी जाते हैं। ऐसी एक विशेष घटना का उल्लेख हम करेंगे, नासिक का श्री प्रभु जी जब नेपाल धाम से वापस आए पगड़ीधारी रूप में अमृतसर, उसके बाद ऋषिकेश में प्रभु जी विराजमान रहे। उसी समय में श्री प्रभु जी नासिक में भी प्रभु जी ने एक अवतार लिया। उस समय वहाँ पर वो जटाधारी रूप में थे, नेपाल धाम वाले रूप में थे। उनके कई नाम अन्यत्र नामों से लोग उनको जानते थे, जिसमें विरोधाभास है। कोई कहता है स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से, अद्भुतानंद के नाम से जानते थे। तो प्रभु जी का वहाँ पर नासिक में एक आश्रम बना, अनेकानेक उनके शिष्य बने। वहाँ पर भी प्रभु जी ने जीवन तत्व साधन, अमर तत्व साधन आदि की शिक्षा दीक्षा दी और कई लोगों को दीक्षित किया। और फिर वहाँ कुछ बरस रहने के बाद प्रभु जी ने वो शरीर त्याग दिया। प्रभु जी शरीर छोड़ने से पहले एक प्रभु जी का शिष्य वहाँ आया करता था। प्रभु जी ने अचानक उसको बोला कि हम तुमको फिर कभी मिलेंगे, दोबारा से मिलेंगे। ऐसा कह के प्रभु जी ने शरीर छोड़ दिया। लोग बड़े दुखी हुए, संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, फिर भी वहाँ अभी भी सैकड़ों की तादाद में शिष्य मंडली है और वो प्रभु जी की आरती पूजन किया करते हैं, प्रभु जी को अपना गुरुदेव मानते हैं। अब वो शिष्य जिससे प्रभु जी ने कहा था हम फिर मिलेंगे, वो किसी तरह घूमता हुआ ऋषिकेश पहुँचा और योग साधन आश्रम का नाम देखकर प्रभु जी के उस आश्रम में गया, जहाँ प्रभु जी अभी भी विराजमान थे पगड़ीधारी रूप में। वो प्रभु जी को प्रणाम कर बैठा और उसने देखा कि दरवाजे पर एक चित्र लटका हुआ है, जिसमें जटाधारी रूप में नेपालवासी रूप में प्रभु जी बैठे हुए हैं। उसने कहा अरे ये चित्र आपके पास कैसे आया, ये तो मेरे गुरुदेव का चित्र है। प्रभु जी बोले कि अच्छा ये चित्र तो मेरा ही है। वो प्रभु जी से नाराज हो गया, बोला अरे आपको ऐसा बोलना उचित नहीं है, ये तो मेरे गुरुदेव हैं और आप इस तरह से क्यों कहते हो। प्रभु जी बोले नहीं ये तो मैं ही हूँ। तो फिर और वो भड़क गया, प्रभु जी से कुछ अपशब्द भी बोला। तो आसपास बैठे हुए लोगों ने क्रोध आकर उसको मारना पीटना चाहा, प्रभु जी ने इशारे से मना कर दिया नहीं इससे तुम बीच में मत बोलो। फिर प्रभु जी ने बोला अच्छा खैर ये बताओ कि तुम्हारे ये गुरुदेव जो हैं वो उन्होंने तुमको क्या शिक्षा दी, क्या सिखाया। उसने बताया कि मुझे उन्होंने जीवन तत्व साधन सिखाया, अमर तत्व सिखाया। प्रभु जी बोले तुम जानते हो। बोले हाँ जानते हैं, तो जुल करके दिखाओ। उसने वो करके भी दिखा दिए। फिर प्रभु जी बोले कि देखो यही तो यहाँ के बच्चे करते हैं। बोले अरे नहीं इस बात को मैं नहीं मानता, ये आसन तो मेरे गुरुदेव ही सिखा सकते हैं, पर आपने ये सब ढोंग रचा हुआ है, ये आप भी उनसे सीख के आए होंगे इसीलिए आप यहाँ प्रचार कर रहे हो, लेकिन ये सारी शिक्षा हमारे गुरुदेव की है। प्रभु जी मुस्कुराकर सारी बातें सुनते रहे। फिर प्रभु जी बोले कि नहीं ये तुम ठीक कह रहे हो कि हमारे गुरुदेव ने सिखाया, पर ये मेरा ही स्वरूप है। तो जब ये बोला तो वो क्रोध में आपा खो गया, शायद कुछ और बोलता और उसकी पिटाई होती। उसके पहले प्रभु जी ने कुछ ही मिनट के लिए, सेकंड के लिए वहीं बैठे बैठे पगड़ीधारी रूप त्याग कर जटाधारी रूप में आ गए। प्रभु जी ने स्वरूप बदल लिया। जैसे ही प्रभु जी ने स्वरूप बदला वो साष्टांग हो गया। साष्टांग हुआ, बोला कि माफ़ कर दो मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुरंत प्रभु जी पगड़ीधारी रूप में आ गए। प्रभु जी बोले अच्छा ये बताओ तुम्हें ध्यान लगाना आता है। बोले हाँ आता है। प्रभु जी बोले जाओ कमरे में जाकर बैठ जाओ, ध्यान लगा लो। जब वो ध्यान में बैठा तो उसको यही प्रश्न था, यही आशंका थी, तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे जो गुरु नासिक में थे वो यही हैं और तुम अब धोखा मत खाना, क्योंकि फिर अभी चले जाओगे तो फिर ही मिलेंगे नहीं। वो ध्यान से उठा, प्रभु जी को साष्टांग करके बोला कि मैं अब आपके पास से नहीं जाऊंगा। प्रभु जी बोले ऐसा क्या भाई, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं। बोला कि नहीं मुझे आकाशवाणी यही हुई थी। अब प्रभु जी ने उसको बरगला दिया। प्रभु जी बोले नहीं नहीं तुम समझे नहीं,
आकाशवाणी का मतलब ये था, जो नासिक वाले तुम्हारे गुरुदेव वो यहीं कहीं हैं, यही नहीं है, वो यहीं का मतलब है ऋषिकेश में कहीं होंगे, तुम ढूंढो तो मिल जाएंगे। तो ऋषिकेश में और भी जगह जाओ, देखो शायद मिल जाएंगे, यहीं कहीं बैठे होंगे। और वो जो आकाशवाणी ने दूसरी बात की, धोखे में मत रहना, मतलब मेरे धोखे मत आ जाना, वो मैं नहीं हूँ। तो प्रभु जी ने सारी बात का मतलब भ्रमित कर दिया। वो बोला, वो कहता रहा, नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं था, यही बताया कि वो आप ही हैं। प्रभु जी बोले नहीं। प्रभु जी बोला अच्छा ये बताओ मेरी उम्र क्या है, तुम देख रहे हो जब मैं इतने वर्षों का हूँ, तुम्हारे गुरुदेव ने शरीर कब त्यागा? उसने बताया। प्रभु जी बोले जब शरीर त्यागा होगा, नया जन्म लिया होगा, तो 6-7 बरस के रहे होंगे, तो मैं इतना बड़ा कैसे हो जाऊँगा? प्रभु जी ने इस तरह से पूरा उसको भ्रम में डाल दिया। वो भ्रम में आ गया। प्रभु जी बोले अच्छा ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। तो वो बोला कि अच्छा ये चित्र मुझे दे दो। प्रभु बोले हाँ बिल्कुल ठीक, ये चित्र ले जाओ और जरा मिलाना, चेहरा मिलाना, देखना कि इस वाकई में ये तुम्हारे गुरुदेव हैं कोई और है। वो चित्र लेकर वापस नासिक आ गया। नासिक में जाके चित्र मिलाया तो बिल्कुल हूबहू मिल गए। उसने वहाँ से तार भेजा कि हम प्रभु जी से मिलना चाह रहे हैं, कहाँ पर हैं। उस समय प्रभु जी ऋषिकेश से वापस अमृतसर जा चुके थे। अमृतसर में लोगों ने बताया कि प्रभु जी अमृतसर हैं, तो वहाँ से वो टिकट कराकर अमृतसर आया। जब वो अमृतसर पहुँचा उसी दिन प्रभु जी ने शरीर त्याग दिया। तो जो आकाशवाणी उसको ध्यान में हुई थी, सत्य हुई थी कि अब की बार धोखा मत खाना, नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे। तब वो लोगों को कहता फिर रहा था देखो इन्होंने भ्रमित किया, और वाकई में वो भविष्यवाणी ठीक हुई कि आज धोखे में पहुँचा, इन्होंने शरीर त्याग दिया। तो इस तरह से प्रभु जी अनेकानेक रूप धारण करके रहे। बहुत सी घटनाएं ये प्रमाणित करती हैं कि प्रभु जी ने एक ही साथ एक ही समय में बहुत सी घटनाएं घटीं, और वो घटनाओं का तारतम्य यदि समय काल से देखा जाए तो वो समय एक ही था। तो प्रभु जी ने वो निर्माण काय से वो कृपाएं करी हैं। इसी प्रकार जब श्री प्रभु जी ऋषिकेश बैठे हुए थे, प्रभु जी ने वादा किया था जब समाई से गए थे कि 12 साल बाद वो पुनः मिलेंगे। तो प्रभु जी जब पगड़ीधारी रूप में आए तो कभी समाई नहीं आए। लोगों की जानकारी के अनुसार उनके साथ उनके शिष्य मंडल जितने भी लोग थे ऋषिकेश में अमृतसर में, वो सभी जानते हैं कि वो उनकी जानकारी में कभी समाई नहीं गए। लेकिन श्री प्रभु जी एक रूप बनाकर सवाई में प्रकट हुए। गुफा का पता पूछते पूछते वहाँ गुफा भी पहुँचे और वहाँ पर एक रात्रि को रुके भी। जम्मन पंडित ने पैर दबाया तब प्रभु जी बोले कि प्रभु जी ने बोला कि पुरानी आदत लोग बदलते नहीं हैं। तब जम्मन पंडित ने पहचाना भी, और जब तक गांव में खबर पहुँचती सुबह होते होते प्रभु जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो प्रभु जी ने इस तरह से निर्माण कार्य करते हुए लोगों का भला किया, लोगों का उद्धार करते रहे। उनकी अतुलित शक्ति जो निर्माण काय के द्वारा हुई, उसी के वजह से इस सारे विश्व में उन्होंने योग का प्रचार किया। प्रभु जी ने जिन जिन बातों का प्रचार प्रसार किया, वही बातें आजकल विभिन्न योगाश्रमों में थोड़े नए ढंग से बताई जाती हैं, पर उन्हीं बातों का ही प्रचार आज चल रहा है। जय प्रभु जी की, जय गुरुदेव।